नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर अरुण फिर से आ चुका हूं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेडिसिन के साथ। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडविन कंपनी के हेमोटॉन टैबलेट से रिलेटेड। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी मेडिसिन की मैं जानकारी दूंगा और दोस्तों इस मेडिसिन का रिव्यू भी करूंगा। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन है स्पेशली बनाई गई है हीमोग्लोबिन को दोस्तों इंक्रीज करने के लिए। अगर दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, या दोस्तों आपको लॉस ऑफ एनीमिया जैसे देखा जा रहा है और आयरन डेफिशिएंसी जैसे देखी जा रही है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है यह। दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपको भूख कम लगती है और दोस्तों आपको डेबिलिटी बनी रहती है, कमजोरी सी बनी रहती है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको लेना है, और दोस्तों कितनी टैबलेट इसकी यूज़ करनी है, कितने टाइम दोस्तों मेडिसिन लेनी, किसके साथ दोस्तों यूज़ करनी है, और दोस्तों इस मेडिसिन की क्या एमआरपी है, किस एमआरपी में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी मेडिसिन, और कहाँ से दोस्तों इस मेडिसिन को परचेज़ कर सकते हैं, और इस मेडिसिन के अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, और इस मेडिसिन के यूज़ करने के टाइम क्या इसमें आप डाइट ले सकते हैं जिससे कि दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन जल्द से जल्द इंक्रीज हो जाए और बढ़ जाए। और दोस्तों, इसको जो है जो वुमेन प्रेग्नेंट है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इसको ले सकती हैं दोस्तों, जो कि उनमें देखा जाता है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, एनीमिया डेफिशिएंसी जैसे देखी जाती है, खूनी कमी जैसे होने लगती है, और दोस्तों बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं उस टाइम पर, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन की, तो दोस्तों उस टाइम पर भी इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी जानकारी आप सभी को देंगे, कंप्लीट नॉलेज आप सभी को देंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सभी के लिए एक यूजफुल वीडियो है दोस्तों, एक क्रिटिकल मेडिसिन है, और दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये मैं आप सभी को बताऊंगा ये जो मेडिसिन है ये दोस्तों कितने महीने के अंदर आपको रिजल्ट देगी, और दोस्तों कितने महीने तक दोस्तों आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है ये भी दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो दोस्तों कंप्लीट जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ऑल पे जरूर कर लें, और थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। दोस्तों जिनको हीमोग्लोबिन की कमी जैसे देखी जा रही है उनको शेयर जरूर करें, हो सकता है दोस्तों आपके एक शेयर से दोस्तों किसी का दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। दोस्तों, ये जो एडविन कंपनी के हीमोटोन जो टैबलेट्स हैं, इन टैबलेट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस मेडिसिन को लेना है, तो ये मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर इस मेडिसिन को एडल्ट लेना चाहते हैं, बड़े इस मेडिसिन को लेना चाहते हैं, अगर दोस्तों उनमें सिम्टम्स जैसे देखे जा रहे हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी जैसे देखी जा रही है, लॉस ऑफ एनीमिया जैसे देखा जा रहा है, आयरन डेफिशिएंसी जैसे देखी जा रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे देखी जा रही है, भूख उनको कम लगती है, या दोस्तों उनको जो है डेबिलिटी बनी रहती है, कमजोरी सी बनी रहती है, थकावट सी बनी रहती है, तो दोस्तों वो जो है दो टैबलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं, टू टैबलेट इसमें ले सकते हैं। और दोस्तों, ये खाली खाली पेट आपको यूज़ करना है, खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना है, और हाथ बिल्कुल भी इन टैबलेट में नहीं लगाना है, ढक्कन में डाल के लेना है। कुछ को दोस्तों पता नहीं होता, तो दोस्तों वो पानी के साथ ले लेते हैं, तो इसमें दोस्तों पानी के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है मेडिसिन। और दोस्तों, इसको जो है एक दिन में 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे को समस्या देखी जा रही है, अगर दोस्तों आपके बच्चे को हीमोग्लोबिन की कमी जैसे देखी जा रही है, कमजोरी बनी रहती है, भूख कम लगती है, या दोस्तों बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन वो दोस्तों जो है 1 टैबलेट दे सकते हैं अपने बच्चों को। और दोस्तों उनकी एज दोस्तों 10 साल से ऊपर एज उनकी एज होनी चाहिए, 10 ईयर अबोव उनकी एज होनी चाहिए, उनको दोस्तों ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर दोस्तों उनकी 10 साल से कम एज है तो उसको दोस्तों बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं देनी है। और दोस्तों, इसमें 1 टैबलेट आपको यूज़ करनी है, और ये खाली पेट देनी है, ढक्कन में डाल के देनी है, पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं देनी है। और दोस्तों, इसको एक दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। और दोस्तों, जो वोमेन प्रेग्नेंट है उनके लिए दोस्तों जो है 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनको हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाए तो दोस्तों इसमें 4 टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता देता हूँ इस मेडिसिन की क्या एमआरपी है, किस एमआरपी में दोस्तों आपको अवेलेबल मिलेगी ये मेडिसिन। तो दोस्तों, इसकी बात करें एमआरपी की, ये आपको मिलेगी दोस्तों 125 की, दोस्तों 125 रुपये की। और दोस्तों, ये आप जो है आपके नज़दीकी जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसको ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन दोस्तों 1 mg से ले सकते हैं, हेल्थ मार्क से ले सकते हैं, या दोस्तों जो एडविन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं।
और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, इस मेडिसिन के अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला गया है, क्या दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन डाले गए हैं। और अगर मैं इसके अंदर कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन डाले गए हैं दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर कैल्केरिया फॉस्फोरिका डाली गई है, और फेरम फॉस्फोरिकम डाली गई, काली फॉस्फोरिकम डाली गई है, कैल्केरिया फ्लोरिका डाली गई है दोस्तों, जो कि 3x में कॉम्बिनेशन डाले गए हैं दोस्तों, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो मेडिसिन है कितने महीने के अंदर आपको रिजल्ट देगी, और कितने महीने तक दोस्तों आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर आपको ये समस्या काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से देखी जा रही है, और मैं बात करूँ जैसे 3 मंथ से देखी जा रही है, 6 मंथ से देखी जा रही है, या दोस्तों आपको जो है भूख की कमी जैसे काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, खूनी कमी देखी जा रही है, कमजोरी बनी रहती है, डायबिटी बनी रहती है, तो दोस्तों पहले अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर लें, तभी दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ करना है। अगर दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से अगर दोस्तों कम है तो दोस्तों तब इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन सही है तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, इस मेडिसिन में क्या आपको डाइट लेनी है, क्या आप इसमें दोस्तों आप खा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हीमोग्लोबिन कमी देखी जा रही है तो इसमें दोस्तों आप जो है कैरेट का यूज़ कर सकते हैं, कैरेट जूस ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट जूस ले सकते हैं, और शुगर बीट जूस ले सकते हैं, और दोस्तों आप जो है गुड़ और चना भी ले सकते हैं, जितना हो सके दोस्तों जो है फ्रूट्स का यूज़ करें, और दोस्तों मिक्स फ्रूट जूस भी आप ले सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताया है। और दोस्तों आप जो मॉर्निंग टाइम आप क्या करें, इसमें दोस्तों आप जो है छुहारी ले सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, रात में दोस्तों छुहारे को दोस्तों पानी में भिगो दें, और दोस्तों फिर मॉर्निंग टाइम में दोस्तों आप छुहारे खा लें, और इससे भी दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन जल्द से जल्द पूरा होगा, और दोस्तों जो है सही जो जो है इंक्रीज होगा दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये जो अभी फिलहाल दोस्तों मेरे पास जो मेडिसिन है ये दोस्तों 20 ग्राम की दोस्तों 25 ग्राम की दोस्तों मेडिसिन है, और दोस्तों ये इस टाइप की आती है, मैं आप सभी को एक बार बाहर निकाल के एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, ये इस टाइप की इसकी बोतल आती है दोस्तों, ये 25 ग्राम की आती है, और दोस्तों की जो इसके जो 1 टैबलेट है दोस्तों वो जो है 250 mg की है दोस्तों, 250 mg की है, और दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और दोस्तों एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की इस टैबलेट्स की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, आप सभी को दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है। आई होप दोस्तों अभी मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दोस्तों और प्रेस जरूर कर लें। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेडिसिन के साथ, तो दोस्तों तब तक हमें तो दोस्तों तब तक हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट जरूर करें। सो थैंक गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।